नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के धनबाद जिले में भले ही अधिकारी ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने का दावा कर रहे हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही कहानी बताती है। दरअसल धनबाद में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से एक एम्बुलेंस सड़क जाम में आधे एक घंटे तक फंसी रही और फिर इलाज में देरी होने के कारण उसमें मौजूद एक बुजुर्ग महिला मरीज की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धनबाद के जरिया बाटा मोड़ सड़क पर मंगलवार को वाहनों की लंबी कतार लगने की वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम लगते ही इलाके में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। एम्बुलेंस में एक बुजुर्ग महिला मरीज थी जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन सड़क जाम की वजह से करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस फंसी रही। ऐसे में महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि आधे घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण बुजुर्ग महिला की मौत एम्बुलेंस में ही हो गई थी। एम्बुलेंस को जाम से निकलवाने को लेकर परिजनों ने सड़क पर मौजूद लोगों से गुहार तक लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी और एम्बुलेंस आधे घंटे जाम में। मिली जानकारी के अनुसार जरिया सत मोरवा के रहने वाले गया प्रसाद चौधरी की पत्नी सावित्री देवी की तबीयत खराब थी। एम्बुलेंस के जरिए वे अपनी पत्नी को स्थानीय निजी अस्पताल ले जा रहे थे। इस दौरान जरिया बाटा मोड़ के समीप काफी ट्रैफिक जाम था। ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस निकल नहीं पा रही थी। अन्य वाहनों से साइड देने के लिए गुजारिश भी की गई थी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। एम्बुलेंस करीब आधे घंटे तक जाम में फंसे रहने के बाद अस्पताल पहुंची। इस दौरान डॉक्टरों ने एम्बुलेंस में ही महिला की जांच की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।